नीट पीजी एआई पीजीटी सीरीज़ में आज हम देखेंगे हेडेक के बारे में। तो हम हेडेक को डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो बेसिक थ्योरी में दिया रहता है उसके अलावा हम कुछ ऐसे पॉइंट्स देखेंगे जो आपके पीजी पर्पस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, माइग्रेन और क्लस्टर हेडेक, इन दोनों के बारे में थोड़ा अपन डिफरेंट के बीच में डिफरेंस देखेंगे। जैसे पहला पॉइंट है माइग्रेन का, तो माइग्रेन क्या है, लेटरलाइज्ड होता है, यूजुअली फ्रंटो टेम्पोरल में भी जनरलाइज। तो जो फ्रंटो टेम्पोरल वाला है वो जनरलाइज हो सकता है, लेकिन माइग्रेन ज़्यादातर लेटरलाइज होता है, जनरलाइज नहीं होता है। ठीक है, जो फ्रंटो टेम्पोरल वाला है माइग्रेन का टाइप, वो जनरलाइज मिल सकता है। क्लस्टर हेडेक जो है वो लेटरलाइज्ड होता है, वो भी पेरीऑर्बिटल और लेस कॉमनली टेम्पोरल। तो पेरी ऑर्बिटल होगा या लेटरलाइज्ड होगा, है ना, बट ये जनरलाइज जो है माइग्रेन के बारे में पूछ सकते हैं आपसे कि फ्रंटो टेम्पोरल वाला जनरलाइज होता है, इधर क्लस्टर हेडेक ये लेटरलाइज होगा, पेरी ऑर्बिटल लेस कॉमनली टेम्पोरल। माइग्रेन ऑल एज ग्रुप इसमें अफेक्टेड होते हैं, क्लस्टर हेडेक में 10 ईयर के बाद वाले, अबाउट 10 ईयर, विथ पीक 30 to 50 ईयर। फीमेल्स जो है माइग्रेन में ज़्यादा अफेक्टेड होती है मेल की कंपैरिजन में, बट जो क्लस्टर हेडेक है ना, इसमें मेल प्रिपोंडेरेंस देखने को मिलता है, मेल्स में ज़्यादा होता है, मेन अफेक्टेड 7 to 8 times मोर देन फीमेल्स। माइग्रेन में फैमिली हिस्ट्री प्रेजेंट होगी, ठीक है, क्लस्टर हेडेक भी हेरिडिटरी फैक्टर उसमें अब्सेंट रहेंगे। क्लस्टर हेडेक में कोई हेरिडिटरी क्राइटेरिया नहीं है, बट माइग्रेन में फैमिली हिस्ट्री मिल सकती है। अगर माइग्रेन का प्रेजेंटेशन की बात करें तो इसमें क्या होगा, पेन होगा, ठीक है, और पेन जो है उसमें ओरा मिलेगा माइग्रेन में, ठीक है, पेन जो है बिल्डअप ग्रेजुअली डेवलप बिल्डअप होता है, वो मे लास्ट फॉर सेवरल आवर और लॉन्गर, कुछ घंटे या बहुत ज़्यादा टाइम भी रह सकता है। ये थ्रोबिंग टाइप का होता है माइग्रेन का पेन, और डल भी हो सकता है, पर ज़्यादातर थ्रोबिंग टाइप का मिलता है। ऑनसेट इस आफ्टर अवेकनिंग एंड क्वाइटर्न बाय स्लिप। तो जो माइग्रेन का ऑनसेट अगर आपसे कोई पूछता है तो इसमें आफ्टर अवेकनिंग, जागने के बाद, या क्वाइटर्न बाय स्लिप, सोने से आराम लग जाएगा इसको, ठीक है। तो ये हो गया। और जो आपका क्लस्टर हेडेक है इसमें पेन कैसा होता है, पीरियोडिक अटैक आते हैं 1 to 2 days के, एक से दो दिन के बाद इसको अल्टरनेटिव अटैक आएंगे, पीरियोडिक अटैक आएंगे, और वार्निंग इसमें नहीं मिलती है, क्लस्टर हेडेक की कोई वार्निंग साइन रहता है, बट माइग्रेन में ओरा अपन ने देखा था वार्निंग साइन मिल जाएगा माइग्रेन में, क्लस्टर हेडेक में कोई वार्निंग या ओरा प्रेजेंट नहीं होता है। क्लस्टर हेडेक 45 मिनट तक रहता है, जैसे माइग्रेन जो था वो कितने शॉर्टर या लॉन्गर टाइम के लिए होता था, ये 45 मिनट के लिए रह सकता है, और रिचेस क्रिसेंडो विद इन 5 मिनट, एक्सक्रूटिंग डीप एक्सक्लोसिव पेन बट ओनली रेयरली पल्सटाइल, कॉमनली अवेकन्स द पेशेंट फ्रॉम द स्लिप। ठीक है, तो क्लस्टर हेडेक होगा तो पेशेंट जाग जाएगा, है ना, पेशेंट को जगा देगा, अवेकन्स द पेशेंट फ्रॉम स्लिप, अगर वो सोया हुआ है तो उसको क्लस्टर हेडेक होगा जिसकी वजह से जाग जाएगा वो। अच्छा, माइग्रेन के साथ एसोसिएटेड सिम्टम क्या है, माइग्रेन के साथ नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, फोटोफोबिया, विजुअल डिस्टरबेंस, फोटोप्सिया, फोर्टिफिकेशन, स्पेक्ट्रा, पेरेस्थेसिया, और क्लम्सीनेस और वीकनेस। तो ये सारे सिम्टम माइग्रेन के साथ मिलेंगे, बट जो क्लस्टर हेडेक है इसमें क्या मिलेगा, होमोलेटरल लेक्राइमेशन, लेक्राइमेशन मिलने वाला है, रेडनिंग ऑफ आइस, ठीक है, रेड आइस मिल जाएगी, नेजल स्टिफनेस, टॉसिस एंड नोजिया। तो क्लस्टर हेडेक में नोजिया मिल रहा है, टॉसिस है, स्टिफनेस, रेडनिंग ऑफ आई और होमोलेटरल लेक्राइमेशन। तो ये सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पीजी में कि होमोलेटरल लेक्राइमेशन माइग्रेन में मिलता है, तो नहीं, क्लस्टर हेडेक में मिलता है। नेजल स्टिफनेस भी क्लस्टर हेडेक का फीचर है, नाक में स्टिफनेस, रेडनिंग ऑफ आई, टॉसिस, नोजिया, है ना, तो ये जो टॉसिस और रेडिंग ऑफ आई है ये क्लस्टर हेडेक में मिलता है, और नोजिया दोनों में मिल रहा है, ठीक है, वोमिटिंग अपने को माइग्रेन में, डायरिया
माइग्रेन के साथ एसोसिएटेड रहेगा, है ना। क्लम्सीनेस, वीकनेस, कन्फ्यूज़न वगैरह, ये माइग्रेन में रहेगा। क्लम्सीनेस, ओपेरास्थेसिया, है ना, फोटोप्सिया, विजुअल डिस्टर्बेंस, ये सब है। बट इधर आँखों में क्लस्टर हेडेक में प्टोसिस मिलेगा और होमोलेटरल लैक्रिमेशन और रेडनिंग ऑफ आई। क्लस्टर हेडेक अफेक्ट प्रीडोमिनेंटली मेल्स, ये हमने देखा था कि क्लस्टर हेडेक मेल्स को ज़्यादा अफेक्ट करता है और माइग्रेन फीमेल्स को ज़्यादा अफेक्ट करता है। मेन आर अफेक्टेड थ्री टू फोर टाइम मोर देन वोमेंस, ठीक है, ये अपन को याद रखना है। कॉमन माइग्रेन और क्लासिकल माइग्रेन में क्या डिफरेंस है? जो कॉमन माइग्रेन होता है ना, उसमें कोई ओरा नहीं रहता है। क्लासिकल माइग्रेन में माइग्रेन विद ओरा। तो कॉमन माइग्रेन में क्या होता है कि हेडेक विद ऑटोनोमिक सिस्टम डिसफंक्शन, पैलर, नोजिया, वॉमिटिंग, बट विदाउट सीरो टिपिकल न्यूरोलॉजिकल ऑप्थल्मिक फीचर एज इन क्लासिकल माइग्रेन। तो जो कॉमन माइग्रेन होगा ना, इसमें क्या होगा, हेडेक और ऑटोनोमिक डिसफंक्शन, ऑटोनोमिक डिसफंक्शन जैसे नोजिया, वॉमिटिंग और पेलरनेस, बट विदाउट सीरो टिपिकल न्यूरोलॉजिकल और ऑप्थल्मोलॉजिक, मतलब ऑप्थल्मोलॉजिकल फीचर्स नहीं मिलने हैं कॉमन माइग्रेन में, बट ऑटोनोमिक में मिल जाएंगे, ऑटोनोमिक सिस्टम के डिस्टर्बेंस जैसे नोजिया, वॉमिटिंग और पिलर। और जो क्लासिकल माइग्रेन है ना, इसमें अपन को विजुअल ओरा मिलेगा, ठीक है, और 20 मिनट तक रहेगा क्लासिकल वाला, ओरा भी मिलेगा विजुअल ओरा, है ना। ऑप्थल्मिक साइन कॉमन में नहीं मिल रहे लेकिन क्लासिकल में मिल रहे हैं, ठीक है, ओरा वाले में। और कॉमन माइग्रेन में अपन को मूड चेंजेस मिलेंगे, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। और इसके अलावा हेडेक जो है क्रेनियम में कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है कॉमन माइग्रेन में, और थ्रोबिंग टाइप का होगा। जो क्लासिकल माइग्रेन है इसमें क्या मिलने वाला है, विजुअल ओरा स्टार्ट होगा, तो इसमें ब्राइट और डार्क स्पॉट, जिगजैग विजन हो जाएगा, है ना, ब्राइट डार्क स्पॉट्स दिखेंगे उसको, स्कोटोमा वाला विजन मिल सकता है अपन को, और टनल विजन, होमोनिमस हेमिएनोपिया भी मिल सकता है इसमें क्लासिकल माइग्रेन में, ठीक है। अब तो ये क्लासिकल हो गया, और कॉमन और क्लासिकल में अपन ने डिफरेंस देख लिए। अब इसके बाद में बेसिलर टाइप ऑफ माइग्रेन, सब टाइप ऑफ माइग्रेन विद ओरा, बेसिलर टाइप ऑफ माइग्रेन डिस्क्राइब रिकरेंट अटैक ऑफ माइग्रेन विद ओरा। बेसिलर टाइप में ओरा मिलेगा अपन को माइग्रेन विद ओरा, और माइग्रेन विद ओरा जो क्लासिकल वाला है उसी में बेसिलर टाइप आता है, विद सिम्टम्स सजेस्ट ब्रेन स्टेम ऑरिजिन इंक्लूडिंग वर्टिगो एंड एटेक्शिया। तो जो बेसिलर वाला है यहाँ पे ब्रेन स्टेम ओरिजिन का होता है ये माइग्रेन, और इसमें ओरा प्रेजेंट रहेगा, इसमें वर्टिगो मिलेगा, एटेक्सिया देखने को मिलेगा, गेट डिस्टर्ब रहेगा और वर्टिगो होगा। इसमें बेसिलर टाइप ऑफ माइग्रेन जो होता है ये कितनी देर के लिए होगा, टिपिकली बिफोर 30 ऑफ एज एंड पीक्स ड्यूरिंग एडोलिसेंस। तो एडोलिसेंस में बेसिलर टाइप देखने को मिल जाएगा, बेसिकली ये 30 ईयर ऑफ एज तक रहता है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ माइग्रेन यहाँ पे फ्रिक्वेंट मिल जाएगी बेसिलर टाइप में, और ऑक्सीपिटल इन ओरिजिन, ठीक है, ऑक्सीपिटल में भी ओरिजिन ले सकता है बेसिलर टाइप वाला। और यहाँ पे फीमेल्स को ज़्यादा होता है, ठीक है, गर्ल्स ज़्यादा अफेक्टेड होती है। फीमेल में इस टू मेल जो रेशियो है वो 3:1 गर्ल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है, गर्ल्स ज़्यादा अफेक्टेड हो रही है बॉयज़ की तुलना में, 3:1 रेशियो है। अच्छा, मैनेज कैसे करोगे माइग्रेन को? ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ मैनेजमेंट फॉर एक्यूट माइग्रेन आर ट्रिप्टेंस, ठीक है, सोमाट्रिप्टन यूज़ किया जाता है। तो एलोपैथी में सोमाट्रिप्टन यूज़ किया जाता है, ट्रिप्टेंस यूज़ किए जाते हैं। ट्रिप्टेंस क्या होते हैं, सिलेक्टिव एगोनिस्ट होते हैं, 5-HT1B1D रिसेप्टर। अ वेराइटी ऑफ ट्रिप्टेंस आर नाउ अवेलेबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट माइग्रेन। ट्रिप्टेंस किस तरीके के होते हैं, दो तरीके के, फास्ट एक्टिंग ट्रिप्टेंस और स्लो एक्टिंग। तो फास्ट एक्टिंग ट्रिप्टेंस में जैसे कि रिज़ाट्रिप्टन, एलीट्रिप्टन, सोमाट्रिप्टन, ज़ोलमिट्रिप्टन, ज़ोलमिप्टन और इसके बाद अल्मोट्रिप्टन, ठीक है। तो ट्रिप्टेंस जो है वो यूज़ किए जाते हैं ट्रिप्टेंस, और स्लो एक्टिंग एंड फास्ट एक्टिंग। अगर स्लो एक्टिंग ट्रिप्टेंस की बात करें तो नाराट्रिप्टन और फ्लोवेरिट्रिप्टन। तो रिज़ाट्रिप्टन और इलेक्ट्रिप्टन जो है वो इफ़िशियस होते हैं ट्रिप्टेंस में, सबसे ज़्यादा मोस्ट इफ़िशियस में रिज़ाट्रिप्टन और इलेक्ट्रिप्टन। और
एक्यूट माइग्रेन के ट्रीटमेंट के लिए अपने पास ड्रग्स क्या क्या है, सिंपल एनाल्जेसिक यूज़ कर सकते हैं जैसे कि एसिटामिनोफेन, एस्पिरिन और कैफीन, एसिटामिनोफेन, कैफीन और एस्पिरिन। एनसेट्स यूज़ कर सकते हो जैसे कि इबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, टोल्फेनामिक एसिड, इबुप्रोफेन और नेप्रोक्सेन। अच्छा, डोपामिन एगोनिस्ट भी दे सकते हो ओरली। ओरली के देखेंगे मेटोक्लोप्रामाइड, प्रोक्लोप्राजीन और पेरेंटल रूट से क्लोप्रोमाजीन, मेटोक्लोप्रामाइड, प्रोक्लोप्रामाजीन। फिर ओरल में इरगोटामाइन, माइग्रेन में इरगोटामाइन आपने नाम सुना होगा, रिजाट्रिप्टन है ना, अल्मोट्रिप्टन, इलीट्रिप्टन, सुमाट्रिप्टन, जोलमेट्रिप्टन। और नेजली अगर अपन को देना है तो जोलमेट्रिप्टन, सुमाट्रिप्टन, पेरेंटेरल रूट से डीहाइड्रो एरगोटामाइन। देन ड्रग्स में जैसे कि प्रिवेंशन के लिए क्रॉनिक माइग्रेन में बीटा ब्लॉकर जैसे कि प्रोप्रानोल, ये यूज़ कर सकते हैं अपन। चलो, टेंशन हेडेक क्या होता है, इज अ क्रॉनिक हेड पेन सिंड्रोम कैरेक्टराइज बाय टाइट पेन लाइक डिस्कम्फर्ट। ठीक है, टेंशन हेडेक में अपन को टाइट पेन लाइक डिस्कम्फर्ट मिलेगा। हेडेक इज़ यूजुअली जनरलाइज मे बी मोस्ट इंटेंस अबाउट द नेक और बैक ऑफ द हेड। पेशेंट फ्रिक्वेंटली कंप्लेन करते हैं, उनको कंसंट्रेशन डिफ़िकल्ट रहेगा और इमोशनल स्ट्रेस के दौरान एग्जर्बेटेड होगा, फटीक, नॉइस, ग्लेयर और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स यहाँ पे नहीं मिलने वाले टेंशन हेडेक में। तो इसमें क्या है कि टाइट पेन लाइक डिस्कम्फर्ट रहेगा, ये जनरलाइज टाइप का है, जैसे हमने माइग्रेन पढ़े थे वो जनरलाइज नहीं होते। क्लस्टर हेडेक भी जनरलाइज नहीं मिल रहा था, ज़्यादा लेटरलाइज टाइप के थे, बट जो ये टेंशन हेडेक है ये क्या है, जनरलाइज है। और नेक और बैक ऑफ द हेड से ये में ज़्यादातर देखने को मिलता है और इमोशनल स्ट्रेस, फटीग, नॉइस की वजह से ये बढ़ जाता है टेंशन हेडेक। हेडेक सिंड्रोम को हमें डेविडसन से रिवाइज करा रहा हूँ। तो हेडेक सिंड्रोम, एक्यूट मैनेजमेंट ऑफ हेडेक इज डील्ड विद, चलो अपन सबसे पहले इसके टाइप्स ही देख लेते हैं। टेंशन टाइप ऑफ हेडेक, दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेडेक एंड इज एक्सपीरियंस टू सम डिग्री बाय मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन। टेंशन टाइप ऑफ हेडेक इज इनकम्प्लीटली अंडरस्टूड एंड सम कंसिडर दैट इज सिंपली अ माइल्डर वर्जन ऑफ माइग्रेन। सर्टेनली द ऑरिजिन नोशन दैट इज ड्यू टू प्राइमरली टू अ मसल टेंशन। टेंशन हेडेक क्यों होता है, मसल्स में टेंशन की वजह से होता है। और इसमें क्या मिलेगा कि एनजाइटी अबाउट द हेडेक इटसेल्फ में लीड टू कंटिन्यूएशन ऑफ सिम्टम, मतलब हेडेक से रिलेटेड एनजाइटी की वजह से भी टेंशन टाइप ऑफ हेडेक हो सकता है। एंड द पेशेंट मे बिकम कन्विंस ऑफ अ सीरियस अंडरलाइंग कंडीशंस। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो इसमें पेन होगा, टेंशन हेडेक में क्या होता है, पेन होगा, जिसका कैरेक्टर कैसा होता है, डल, टाइट लाइक अ प्रेशर एंड देयर मे बी सेंसेशन ऑफ बेंड राउंड द हेड। तो ये मेन है टेंशन टाइप ऑफ हेडेक का फीचर क्या है कि सेंसेशन ऑफ बेंड अराउंड द हेड और प्रेशर एट द वर्टेक्स। इट इज़ ऑफ कॉन्स्टेंट कैरेक्टर एंड जनरलाइज बट ऑफन रेडिएट फॉरवर्ड फ्रॉम ऑक्सीपिटल रीजन। तो ऑक्सीपिटल रीजन में से ये फॉरवर्ड की तरफ रेडिएट भी कर सकता है। ठीक है, तो ऑक्सीपिटल रीजन से स्टार्ट होगा, ये फॉरवर्ड रेडिएट करेगा, इसमें बेंड लाइक सेंसेशन रहता है, वो प्रेशर बना रहता है वर्टेक्स में, हेड में। ठीक है, इट मे बी एपिसोडिक और परसिस्टेंट, ऑल्दो द सीवियरिटी मे बी वेरी एंड देयर इज नो एसोसिएटेड वॉमिटिंग और फोटोपोबिया। तो टेंशन टाइप ऑफ हेडेक में वॉमिटिंग फोटोपोबिया नहीं मिलता है। टेंशन टाइप ऑफ हेडेक जो है वो रेयरली डिसेबलिंग एंड पेशेंट अपियर वेल, द पेन ऑफन प्रोग्रेसिंग, प्रोग्रेस टाइप का पेन होता है। टेंडरनेस मिल जाएगी अपन को स्कल पे, स्कल वॉल पे और ऑक्सीबुट में। और इसके अलावा ट्राइजमैनल न्यूरालजिया की वजह से ट्रिगर होगा ये, अगर ट्राइजमैनल न्यूरालजिया हो रहा है तो ये टेंशन टाइप ऑफ हेडेक भी काज करा सकता है और उसको ट्रिगर करेगा। और टेम्पोरल आर्थराइटिस वगैरह भी इसको ट्रिगर कर सकता है। एनाल्जेसिक्स की बात करें तो यहाँ पे एनाल्जेसिक्स में भी टेकन विद क्रॉनिक रेगुलरिटी डिस्पाइट लिटिल इफेक्ट एंड में परपिट्यूट द सिम्टम। मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एनाल्जेसिक जो है वो लेने से भी
मे बी टेकन विथ क्रॉनिक रेगुलरिटी, क्रॉनिक केसेस में एनाल्जेसिक लेने पड़ते हैं। अब मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, केयरफुली असेसमेंट करना पड़ेगा और रेस्ट श्योर करना पड़ेगा सबसे पहले तो पेशेंट को। कॉन्सेप्ट ऑफ मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक नीड केयरफुल एक्सप्लेनेशन, उसको समझाना पड़ेगा कि भाई ओवर मेडिकेशन नहीं करना है। यहाँ पे थेरापेटिक स्टेप क्या है कि प्रॉब्लम को पहले तो उसको समझाना पड़ेगा, है ना। और असेसमेंट बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, फिजियोथेरेपी वगैरह ज़रूरी है, इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर नहीं होता है इसमें टेंशन टाइप में, और रीअश्योरेंस बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें समझानी पड़ेगी और रीअश्योरेंस यहाँ पे ज़्यादा मैटर करता है और केयरफुल असेसमेंट। अच्छा, माइग्रेन की बात करते हैं तो माइग्रेन जो है ना, ये यूजुअली अपीयर बिफोर मिडिल एज और ऑकेशनली इन द लेटर लाइफ। इट अफेक्ट अबाउट 20% ऑफ फीमेल एंड 6% ऑफ मेल्स, ठीक है। फीमेल में ज़्यादा होता है, 20% अगर फीमेल को अफेक्ट कर रहा है तो 6% मेल्स को। माइग्रेन इज यूजुअली रिपीटेडली आइडेंटिफाइबल फ्रॉम द हिस्ट्री, ऑल्दो अनयूजुअल वेरिएंट कैन कॉज अनसर्टेनिटी। अगर पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो जो इसके काज जो है अननोन है, ठीक है। और ओरा इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। डिसफंक्शंस ओरा क्यों आता है, क्योंकि आयरन चैनल जो है वहाँ पे डिसफंक्शन हुआ है, ठीक है। जो कॉर्टिकल डिपोलराइजेशन देखने को मिलेगा माइग्रेन में, फॉलोड बाय हाइपर पोलराइजेशन। तो पहले तो क्या हुआ, कॉर्टिकल डिपोलराइजेशन हुआ यानी एक्साइटेशन हुआ, उसके बाद डिप्रेशन वाली एक्टिविटीज़ हुई यानी हाइपर पोलराइजेशन। डिपोलराइजेशन के बाद हाइपर पोलराइजेशन हुआ, जिसमें एक्टिविटीज़ क्या हुई, डिप्रेशन। और दिस प्रोसेस द स्प्रेडिंग डिप्रेशन ऑफ लियो स्प्रेड ओवर द कॉर्टेक्स एट अ रेट अबाउट 3 mm पर मिनट करस्पेंडिंग टू द ओरा सिम्टोमेटिक स्प्रेड। तो क्या होता है कि पहले ओरा आता है इसमें माइग्रेन में, तो ये जो यहाँ पे है ना आयन चैनल में डिस्टर्बेंस आ रहा है, पहले क्या हुआ डिपोलराइजेशन हुआ फिर हाइपर पोलराइजेशन हुआ। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जितनी प्रोसेस स्प्रेड होती है, तो इस कितनी स्पीड से स्प्रेड होती है, 3 mm पर मिनट स्पीड से। हेडेक फेज इज एसोसिएटेड विथ वासो डायलिटेशन ऑफ एक्स्ट्रा क्रेनियल वेसल्स, आपका क्रेनियल के बाहर जो वेसल्स है वो क्या हो जाएगी, वासो डायलिटेशन होगा, वहाँ पे वेसल्स डायलेट हो लेगी। और इसके बाद में क्या होगा, ट्राइजेमाइनो वास्कुलर सिस्टम जो है वो भी एक्टिवेट हो जाएगा, है ना। और इसमें जेनेटिक कंट्रीब्यूशन भी मिल सकता है, फैमिली हिस्ट्री मिल सकती है। और ठीक है, इसमें सेरिब्रल ऑटोसोमल डोमिनेंट आर्टेरियोपैथी विथ सबकोर्टिकल इन्फार्क्ट एंड ल्यूको एंसेफेलोपैथी और माइट्रोकॉन्ड्रियल डिसीज, ये सब जेनेटिक कंट्रीब्यूशन हो गए। और फीमेल में ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। और मेंस्ट्रुअल साइकल्स में ज़्यादा उस टाइम पे ज़्यादा मिल सकता है, हार्मोनल इन्फ्लुएंस की वजह से। एस्ट्रोजन कंटेनिंग ओरल कंट्रासेप्टिव समटाइम एग्जाजरेबेट माइग्रेन। तो ओसीपीज लेने से, जिसमें ओसीपीज जिसमें क्या होता है, ओसीपीज में जैसे कि आपका उसमें एस्ट्रोजन रहता है, तो उससे हो सकता है वो एग्जाजरेबेट कर सकता है। और डॉक्टर्स एंड पेशेंट ऑफन ओवर एस्टिमेट द रोल ऑफ डाइटरी प्रेसिपिटेंट सच एज चीज़, चॉकलेट, रेड वाइन, इनकी वजह से भी हो सकता है किसी किसी में। साइकोलॉजिकल भी होता है, ठीक है, स्ट्रेस की वजह से। और फ्राइडे इवनिंग में देखने को मिलता है, एट द एंड ऑफ वर्किंग वीक, जैसे वर्किंग वीक एंड होता है उसके बाद ये देखने को मिलता है। हॉलीडे बिगिन होते हैं तब, इसको हॉलीडेज के दौरान होता है ये, ठीक है। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स, तो कुछ पेशेंट रिपोर्ट करते हैं कि उनको मेलेज, इरिटेबिलिटी, बिहेवियर चेंजेस, और अराउंड 20% लोगों को क्या एक्सपीरियंस होगा, ओरा मिलेगा, है ना, माइग्रेन आने से पहले उन्हें पता चल जाएगा माइग्रेन विद ओरा, प्रीवियसली नोन एज अ क्लासिकल माइग्रेन। क्लासिकल माइग्रेन में अपन ने देखा ही था जिसमें ओरा प्रेजेंट रहता है ना, जो हमने डिफरेंस देखे थे। द ओरा में मैनिफेस्ट अस ऑलमोस्ट एज अ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम बट इज मोस्ट ऑफन विजुअल, विजुअल ज़्यादातर ओरा देखने को मिलता है, ठीक है, जिसमें कि क्या ज़िगज़ैग लाइन में विजन हो जाएगा। और इसके साथ में स्कोटोमा, सेंसरी सिम्टम्स भी आ सकते हैं, और इसके अलावा ओरा मिल सकता है, ठीक है। इसमें
कुछ लोगों में कॉमन माइग्रेन में क्या विदाउट ओरा नहीं आता तो उसको कॉमन माइग्रेन कहते हैं। माइग्रेन हेडेक इज़ यूजुअली सीवियर एंड थ्रॉबिंग विथ फोटोफोबिया फोनोफोबिया, ठीक है तो फोटोफोबिया होगा, फोनोफोबिया और एंड वोमिटिंग। तो उसको है ना फोनोफोबिया हो जाएगा, फोटोफोबिया हो जाएगा, ये सब सिम्टम्स आएंगे और थ्रॉबिंग्स मिलेगी। अच्छा, इसको मैनेज कैसे करोगे? सुमाट्रिप्टन अपन देख ही चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा सुमाट्रिप्टन और एंटी इन्फ्लामेटरीज, एस्पिरिन, पैरासीटामोल, ये सब यूज़ कर सकते हैं एक्यूट अटैक में। मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मेडिसिन खा लिए, एनाल्जेसिक बहुत ज़्यादा ले लिया, इसकी वजह से होगा, है ना, मेडिकेशन एसोशिएट ओवर यूज़ की वजह से हो रहा है। अच्छा, क्लस्टर हेडेक हम पढ़ ही चुके हैं कि जिसमें क्या होता है, ये माइग्रेनियस न्यूरालजिया मिलेगा इसमें और लेस कॉमन देन माइग्रेन और हेडेक सिंड्रोम। थर्ड डिकेड में ये ज़्यादा देखने को मिलता है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं क्लस्टर वाला। और क्लस्टर वाले में क्या होता है कि इसके काज जो है अनोन है और इसमें पैथोफिजियोलॉजिकल बेसिस से ये माइग्रेन से थोड़ा वेरी करता है, अलग हो गया। और इसमें ट्राइजेमाइनल ऑटोनोमिक सेफाल्जिया सिंड्रोम, ठीक है, तो इट इज़ द मोस्ट कॉमन ऑफ द ट्राइजेमाइनल ऑटोनोमिक सेफाल्जिया सिंड्रोम, ठीक है। तो ट्राइजेमाइनल आपको याद रखना है, ट्राइजेमाइनल ऑटोनोमिक सेफाल्जिया सिंड्रोम, सेफाल्जिया हेडेक को ही बोलते हैं, है ना। और इसमें एबनॉर्मल हाइपोथैलेमिक एक्टिविटीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। और स्मोकर्स में क्या रहेगा, ज़्यादा देखने को मिलता है स्मोकर्स में, अल्कोहल कंजप्शन वालों में भी देखने को मिल जाएगा। तो जो हम पढ़ रहे हैं क्लस्टर हेडेक, जिसको क्या कहते हैं क्लस्टर हेडेक को, माइग्रेनियस न्यूरालजिया भी कहते हैं। और इसमें ये लेस कॉमन होता है, ठीक है। क्लस्टर हेडेक के क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, इसमें ठीक है, इसमें क्या रहेगा कि आइडेंटिकल हेडेक जैसे फीचर्स ही रहते हैं जैसे क्लस्टर, तो इसमें क्या रहेगा कि पेशेंट जो एक्सपीरियंस करेगा कि बहुत ज़्यादा सेवरल अटैक आते हैं 24 आवर के पीरियड में, पीरियडिसिटी देखने को मिलती है, क्लॉक अलार्मिंग हेडेक भी कहते हैं इसको। और क्योंकि इसमें पता पीरियडिसिटी रहती है तो क्लॉक लाइक पीरियडिसिटी रहती है इसमें। क्लस्टर हेडेक जो रहेगा इसमें सीवियर यूनिलेटरल पेरीऑर्बिटल पेन होगा, इसमें पेरीऑर्बिटल अपन ने देखा था लेटरलाइजेशन हो रहा था, पेरीऑर्बिटल, तो पेरीऑर्बिटल होगा, लेटरलाइज टाइप का हेडेक होता है। और इसमें ऑटोनोमिक फीचर्स जो है वो मिल सकते हैं, नौशिया, वॉमिटिंग वगैरह, और नेजल कंजेशन, कंजक्टिवल इंजेक्शन, ये सब भी मिल सकते हैं। पेन होगा, बहुत सीवियर होगा, ठीक है, 30 to 90 मिनट तक के लिए रहेगा ये। और इसमें क्लस्टर पीरियड रहेगा कुछ वीक तक रहता है ये, मंथ से लगा के ईयर तक भी हो सकता है। तो देखिए क्लस्टर हेडेक जो है ना, इसके काजेज़ तो अननोन है, ठीक है, बट ये थोड़ा माइग्रेन से डिफर करता है, बहुत तरीक़ों से डिफर करता है, जैसे हमने डिफरेंस पढ़े ही थे। इसमें पैथोफिजियोलॉजिकल बेस पे डिफर करता है और ये मोस्ट कॉमन ऑफ द ट्राइजेमाइनल ऑटोनोमस सेफाल्जिया सिंड्रोम। और ये पीरियडिकल होता है क्लस्टर वाला, ठीक है, पीरियडिसिटी के साथ आएगा। इसको कैसे मैनेज करेंगे, एक्यूट अटैक को अपन क्या करेंगे, सोमाट्रिप्टन दे देंगे, ठीक है, ऑक्सीजन इनहेलेशन करवाएंगे। और ट्राइजेमाइनल न्यूरालजिया का होता है, दिस इज़ कैरेक्टराइज बाय यूनिलेटरल लेंसिनेटिंग फेशियल पेन, फेशियल पेन होता है। और सेकेंड थर्ड डिवीज़न ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व, ट्राइजेमाइनल नर्व का सेकेंड थर्ड डिवीज़न इन्वॉल्व होता है, इसलिए ट्राइजेमाइनल न्यूरालजिया होता है। और ये ज़्यादातर 50 साल वालों में देखने को मिलता है। इसके फीचर्स क्या रहते हैं ट्राइजेमाइनल न्यूरालजिया के, इसमें सीवियर रिपीटेटिव वेरी ब्रीफ, इट मे बी ट्रिगर बाय टच, कोल्ड विंड, हीटिंग। तो जो ट्राइजेमाइनल न्यूरालजिया है ये कोल्ड से, टच करने से और
कोल्ड विंड से ट्रिगर होता है, हीटिंग के बाद ट्रिगर हो जाएगा, मतलब ट्रिगर फैक्टर है ये कोल्ड का एक्सपोजर या टच करने से हीटिंग से ग्रेविट हो रहा है। इसमें फिजिकल साइन अब्सेंट रहते हैं, ठीक है, स्पाजम मिल सकते हैं कुछ पेशेंट में और टिक डाउलो यूरेक्स। देयर इज़ अ टेंडेंसी फॉर द कंडीशन टू रिमिट एंड रिलैप्स ओवर मेनी ईयर्स। रेयरली देयर मे बी कंबाइंड फीचर ऑफ ट्राइजमैन न्यूरलजिया एंड क्लस्टर हेडेक। ट्राइजमैन न्यूरलजिया के साथ अपन को क्लस्टर हेडेक मिल सकता है, ठीक है। मैनेजमेंट कैसे करेंगे, कार्बाजेपिन और ऑक्स कार्बाजेपिन, गाबा पिनटिन और प्री गाबा लीन, अमिट्रिप्टाइलिन, ये सब दे सकते हैं। हेडेक एसोसिएटेड विथ स्पेसिफिक एक्टिविटीज़, कुछ हेडेक क्या होते हैं स्पेसिफिक एक्टिविटीज से एसोसिएटेड होते हैं, जैसे कि 30s और 40s में देखने को मिल जाता है सडन सीवियर हेडेक होगा एक्सर्शन के दौरान या सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से, तो उसको अदर एक्टिविटीज़ के साथ, ठीक है, और अदर हेडेक सिंड्रोम में क्या आ जाएगा, रेयर हेडेक्स आ जाएंगे, है ना, क्लस्टर हेडेक के सिमिलर टाइप के, पैरोक्सिज्मल हेमिक्रेनिया, शॉर्ट लास्टिंग यूनिलैटरल न्यूरालजी फॉर्म हेडेक विथ कंजक्टिवल इन्फेक्शन एंड टीयरिंग, ये कुछ अदर हेडेक आ जाएंगे, ठीक है। पैरोक्सिज्मल हेडेक, तो पैरोक्सिज्मल हेडेक में जैसे टाइप की बात करें तो आइस पिक, आइसक्रीम, एग्जर्शनल, सेक्सुअल एक्टिविटी वाला और एग्जर्शनल, कफ की वजह से क्लस्टर हेडेक, क्रॉनिक पैरोक्सिज्मल और SUNCT, यानी सीवियर शार्प। SUNCT का फुल फॉर्म मैंने बताया था कि ये शॉर्ट लास्टिंग रहेगा यूनिलेटरल न्यूरालजी फॉर्म हेडेक विद कंजक्टिवल इन्फेक्शन एंड टीयरिंग। SUNCT, शॉर्ट लास्टिंग यूनिलेटरल न्यूरालजी फॉर्म हेडेक विद कंजक्टिवल इन्फेक्शन एंड टीयरिंग। तो यहाँ पे ये दिए हुए हैं, जैसे कि आइस पीक वाले में स्टेबिंग कैरेक्टर रहेगा और वेरी ब्रीफ ड्यूरेशन के लिए रहता है, इसमें लोकेशन वेरिएबल रहेगी, और आइसक्रीम वाला शार्प सीवियर रहता है, एक्जर्शनल और सेक्सुअल एक्टिविटी वाले में ब्रस्टिंग टाइप का पेन होगा, कफ वाले में ब्रस्टिंग टाइप का पेन होता है। क्लस्टर हेडेक में कैसा रहता है, यूनिलेटरल रहेगा, टॉसिस, कंजक्टिवल इंजेक्शन, यूनिलेटरल नेजल कंजेक्शन मिल सकता है, और क्रॉनिक पैरोक्सिज्मल हेमिक्रेनिया में सीवियर यूनिलेटरल क्लस्टर हेडेक लाइक ऑटोनोमिक फीचर्स। और SUNCT में क्या रहेगा, शार्प स्टिचिंग, शार्प ट्रिगर बाय टच एंड नेक मूवमेंट। कफ वाला जो है ऑक्सीपिटल से लोकेशन है उसकी, और एग्जर्शनल वाले की जनरलाइज लोकेशन है। आइसक्रीम वाला जो है वो बाई टेम्पोरल, आइस पैक की वजह से जो है वो वेरिएबल रहेगा, टेम्पोरोपेरेटल।